Okay. What should be the answer for this? So what do you feel? Inside the circular plate? Will it be somewhere here? Or inside the square plate here? दोनों के सेंटर जो है इसका पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेट होगा, ये यूनिफॉर्म है, इसका भी ये उसके सेंटर में होगा। हैवी कौन सा है? एम वन इज हैवी और एम टू इज हैवी? ये एम वन है, ये एम टू है। विच वन इज हैवी? ये हैवी है कि ये हैवी? M1 कैसे? M1 तो ऐसे आएगा, M1 तो ऐसे आएगा। देखो अगर इसको इधर शिफ्ट कर दो तो इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज दोनों का डायमीटर सेम है कि नहीं? दोनों का डायमीटर सेम है कि नहीं? नहीं, इसका डायमीटर उसका डायगोनल सेम है कि नहीं? ये पूरा इधर आ जाएगा। अभी ये तो गैप बच गया इसका, तो नेचुरली स्क्वायर प्लेट इज हैवी बिकॉज दे आर कट आउट फ्रॉम द सेम शीट। स्क्वायर प्लेट हैवी है, स्क्वायर प्लेट इज हैवी, तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेट के अंदर कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पर, इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। ठीक है, हैवी पार्टिकल्स के पास, हैवी पार्टिकल्स के पास होता है। तो एम टू इज हैवी बिकॉज दैट हैज मोर मास, मोर डायमेंशन एज कंपेयर टू सर्कुलर प्लेट, देयरफॉर इट विल हैव सेंटर मास क्लोज टू इट्स सेंटर। बट अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि कितनी डिस्टेंस, कैन यू फाइंड आउट सेकेंड पार्ट में होमवर्क में जो करने के लिए? फाइंड distance of COM from center of the circle. तो क्या करना है अभी, इसमें क्या मानना पड़ता है? लेट ऐसे समझ लो, लेट ऐसे समझ लो कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेट सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, मतलब सिग्मा जो है, म्यूट कर लो, जस्ट म्यूट इट बिकॉज डिस्टर्बेंस इज कमिंग, संस्कृत यू म्यूट इट। हाँ, तो देखो सिग्मा जो है मास पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा के जी ऑफ 1 meter square, है ना? इसका कितना मीटर स्क्वायर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी एम वन, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। ऐसे एम टू क्या होगा? सिग्मा इंटू इसका कितना मीटर स्क्वायर एरिया आएगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देंगे ऐसे। इसका तो 0 पे आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे एम टू के? ये डिस्टेंस ए बाई टू है और आधी डिस्टेंस ये भी ए बाई टू है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स आएगा 1, 0 पर। y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ये 0, 0 पे है, तो वैल्यू पुट कर देंगे m1x1 + m2x2 / m1 + m2। यू कैन ट्राई, है ना? मैंने हिंट तो दे दी तुम्हें सिग्मा की, उससे कर सकते हो तुम लोग, एंड देन आई विल टेल यू द आंसर, फिर मैच करना आंसर। अभी जिनके एग्जाम चल रहे हैं दे विल नॉट सेंड द होमवर्क, तुम अभी पढ़ाई कर लो, होमवर्क मत भेजना, ठीक है? जिनके एग्जाम चालू हैं, others can send. ठीक है, तो this is question. और कभी कभी वो position vector के term में दे देते हैं, suppose center mass in the term of position vector. तो suppose m1 r1 पर है, उसका position vector r1 है, m2 का r2 है, position vector याद है, center mass का r है, तो position vector के term में लिख सकते हैं R will be
M1 R1 प्लस एक्स एक्स हट के आर आ जाएगा, बस बाकी कुछ नया नहीं है इसमें, एक्स की जगह आर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ 1 kg मास, सिंपल क्वेश्चन, जस्ट एक सिंपल वैल्यूज के साथ लेते हैं। इफ 1 kg मास इज एट पोजिशन वेक्टर R1 इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड 3 kg मास इज एट एट 2i कैप 4i कैप एट पोजिशन वेक्टर R2 इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5 5j कैप। फाइंड पोजिशन वेक्टर ऑफ COM, बस वैल्यू पुट कर दो उसमें। R इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M1 प्लस M2। M1 1 है, R1 कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये कितना है 3 है, 4i कैप प्लस 5j कैप। नीचे टोटल मास कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, 2 कितना है, आई कैप कितना हो रहा है 14 i कैप है ना, प्लस जे कैप कितना हो रहा है 18 j कैप अपॉन 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7/2 है ना, 3.5 i कैप प्लस ये कितना हो रहा है 9/2, तो 4.5 j कैप। ये आंसर हो गया। बस अगर तुम्हें बोला जाए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट देखो, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी पहला वाला 2 3.5 आ जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट विल बी 4.5 मीटर, मीटर में लिख दो, मीटर में दिए हैं सब ये है ना, आर यू गेटिंग इट। तो अगर वो एक साथ ये कंबाइन आ गया, इसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सब एक साथ आ जाते हैं, अलग अलग से नहीं निकालने, यस सर नो? तो ये तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, आई कैप का आई कैप जो है एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप आई कंपोनेंट को। या कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं एक्स वाई जेड पीछे वाले फार्मूले से लिखा, राइट द पोजिशन वेक्टर, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास, तो ऐसे लिख सकते हैं हम कभी, अगर पीछे वाले फार्मूले यूज किए और ये लिखना पड़े तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे, तो ये आ गया ना आर, पोजिशन वेक्टर वैसे भी हमने सीखा था ना, पोजिशन वेक्टर जो होता है, पोजिशन वेक्टर कैसे होता है, R1 इज X1 i कैप प्लस X i कैप प्लस Y j कैप प्लस Z k कैप, ऐसे होता कि नहीं? तो i के कोएफिशिएंट x को रिप्रेजेंट करते, j के y को और k के z को, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिख सकते हैं हम लोग, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऑलराइट, तो क्लियर? तो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, आर निकाल के एक्स वाई निकाल सकते हैं, एक्स वाई निकाल के आर निकाल सकते हैं, विच आर रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम और मोर पार्टिकल सिस्टम। क्लियर? तो कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं, अगर एक को शिफ्ट करेंगे तो दूसरा भी, दूसरे को कितना शिफ्ट करे कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहे, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो या शिफ्ट हो जाए इतना, तो शिफ्ट ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट क्वेश्चन करने के लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है शिफ्ट करने वाला, M1 ओके, एक्स क्या होता है, M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2, एक्स कोऑर्डिनेट सीखा भी हमने। इफ डेल्टा एक्स इज द शिफ्ट इन M1, M1 को हमने शिफ्ट कर दिया डेल्टा एक्स की, एक्स इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं,
तो दिया होगा किधर शिफ्ट करना है। डेल्टा एक्स वन इज शिफ्ट इन एम वन, डेल्टा एक्स टू इज शिफ्ट इन एम टू, एंड शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज डेल्टा एक्स, कैपिटल डेल्टा एक्स। यहाँ पर देखो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इसका शिफ्ट और मास तो चेंज होता नहीं, पोजिशन शिफ्ट कर सकते, तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट वाली शिफ्ट जो है, अगर राइट साइड में शिफ्ट किया तो उसको प्लस ले लो, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो माइनस ले लो, क्योंकि इसमें पोजिशंस है ना ये, तो वो दे विल रिप्रेजेंट दैट डायरेक्शन है ना। तो इस तरह से शिफ्ट निकालना है, एक में शिफ्ट हो गया, दोनों राइट साइड में शिफ्ट होगा तो दोनों पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट में शिफ्ट किया तो एक को माइनस ले लेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है ये कि कंसिडर टू पार्टिकल सिस्टम विद द पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2, इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास थ्रू अ डिस्टेंस d, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकेंड मास बी मूव्ड सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट सेम पोजिशन। मतलब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा तो जीरो कर देंगे। देखो डेल्टा, यहाँ पे सपोज थोड़ा सा रफ डायग्राम से समझे, तो ये जो हमारा m1 है ये m2 है, बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, इसको सेंटर ऑफ मास की तरफ शिफ्ट किया है, तो डेल्टा x1 जो है राइट में शिफ्ट किया तो उसको ले लेंगे d, और डेल्टा x2 निकालना है कितना शिफ्ट करें, सो दैट डेल्टा x जो है सेंटर ऑफ मास का वो शिफ्ट ना हो, तो जीरो। तो क्या फार्मूला है, डेल्टा x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। ये हमने फार्मूला बनाया है, थियरी पार्ट में नहीं दिया हुआ, ये टोटल मास m1 प्लस m2, तो सेंटर मास क्या बोले शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, तो जीरो। तो m1 तो m1 ही है, x1 को कितना शिफ्ट किया d पॉजिटिव, m2 m2 ही है उसको कितना x2 निकालना है हमें, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे क्या है, टोटल मास m1 प्लस m2, इसको सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट साइड में जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, एम वन डी प्लस एम टू एक्स टू, तो एक्स टू निकालना था तो एक्स टू, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा एम वन बाई एम टू इन टू डी, माइनस साइन मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट बाय एम वन बाई एम टू इन टू डी, एम वन बाई एम टू इन टू डी कहाँ गया, नहीं हाँ ठीक है, एम वन बाई एम टू इंटू डी सी ऑप्शन है, ठीक है। दोनों सपोज इक्वल मासेज होते, एम वन भी सपोज वन के जी, एम टू भी वन के जी होता, तो ये कैंसिल हो जाते, तो जितना इधर शिफ्ट करे उतना इधर शिफ्ट करना पड़ता, दिख रहा है, अगर इक्वल मासेज होते तो डी आंसर आता, फिर जितना इसको शिफ्ट करोगे उतना, अगर एम वन जो है एम वन ट्वाइस ऑफ एम टू है, डबल है, तो इसको फिर ज्यादा शिफ्ट करना पड़ता है, एम वन हल्का है एम टू हैवी है तो कम शिफ्ट करना पड़ेगा, क्लियर। तो शिफ्टिंग का एक क्वेश्चन है एटलीस्ट वी हैव डन इट। रिजिड बॉडी का कैसा होता है, अगर जैसे सपोज हमें डिस्क का निकालना पड़े या सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, तो वैसे तो उनके सेंटर में ही रहता है, पर निकालने का तरीका क्या है, इट कैन बी अज्यूम टू बी द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द स्मॉल मास डीएम, है ना, कोई सपोज रॉड है ऐसे ना, उसमें बहुत सारे पार्ट है डीएम डीएम करके छोटे छोटे, तो एम आई एम आई एक्स आई कितना हो जाएगा, ऊपर वाला जो टर्म था वो कितना हो जाएगा, समेशन, समेशन मैंने जैसा कि बताया था इंटीग्रेशन होता है, तो मास को हमने क्या लिया डीएम ले लिया छोटे छोटे पार्टिकल में, और एक्स को एक्स आई को एक्स ले लेंगे, तो जो न्यूमिनेटर वाला टर्म है ये हो जाएगा, और नीचे एम आई जो है डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या था एम आई, उसको डीएम लिख देंगे ऐसे, दैट उसका इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या होता है, टोटल मास, इंटीग्रेशन मतलब टोटल, समेशन टोटल मास में आ जाएगा, तो देयरफॉर एक्स वाई जेड को, तो ये अपने
एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स कैसे बन जाएंगे, ये भी ऐसे बन जाएंगे, नीचे टोटल मास आ गया, ऊपर जो टर्म थे एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू वो ऐसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हमने छोटे छोटे मासेस डीएम में एज्यूम कर लिया उसको, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई डीएम आ जाएगा जेड कोऑर्डिनेट, ये क्या फॉर्मूला बन गया, वन बाई एम इंटीग्रेशन एक्स डीएम। तो इस तरह से एनसीईआरटी बुक में दिया ये इस तरह से, बट उन्होंने कैलकुलेशन किसी का भी नहीं किया, एटलीस्ट हम लोग एक या दो क्वेश्चन कर सकते हैं इस कैलकुलेशन से, क्योंकि फार्मूला गिविंग इस तुम्हें फार्मूले का यूज आना चाहिए। तो जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि एक रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड इज गिवन बाय, अभी लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है पहले वो समझा दूं। तो लीनियर मास डेंसिटी होती है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ बॉडी ऑफ थिन बॉडी थिन रॉड की लीनियर मास डेंसिटी होती है ऑफ थिन रॉड, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, इट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, मतलब 1 मीटर का कितना मास होगा, 1 मीटर का पता लग गया है तो 2 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी टोटल लेंथ होगी, यूनिफॉर्म बॉडी के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती, यूनिफॉर्म मास के लिए एम बाई एल, सपोज कोई रॉड है उसका मास एम है लेंथ एल है, फॉर यूनिफॉर्म बॉडी तो प्रॉब्लम नहीं आती, देखो यूनिफॉर्म बॉडी के लिए फॉर यूनिफॉर्म रॉड लैम्डा विल बी एम बाई एल, उसकी प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना, मास पर यूनिट लेंथ मतलब ये मास उसका एम है लेंथ एल है, तो इस तरह से प्रॉब्लम नहीं है यूनिफॉर्म रॉड के लिए, बट नॉन यूनिफॉर्म के लिए तुम्हें लैम्डा दिया होगा, एक मिनट ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा, एम विल बी लैम्डा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एम विल बी एल इधर आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा किसके लिए, वन लैम्डा कितना है, लैम्डा केजी फॉर 1 मीटर, तो एल मीटर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा, एम इज द मास ऑफ द रॉड, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म रॉड लैम्डा विल बी गिवन, मोस्ट प्रॉब्ली सिंबल लैम्डा ही रहता है उसका, लैम्डा वैसे वेवलेंथ के लिए रहता है बट ये लीनियर मास डेंसिटी का सिंबल भी लैम्डा यूज करते हैं, ठीक है, कोई और सिंबल भी हो सकता है, तब मास कैसे निकालेंगे फिर, यहाँ तो डायरेक्ट मास निकाल लिया, तो लैम्डा जो है लैम्डा किसके लिए पर यूनिट मास, तो छोटा सा छोट उसकी जो चेंज हो रही है ना डेंसिटी चेंज हो रही है, तो छोटा सा उसका अभी नॉन यूनिफॉर्म है ऐसे कुछ है, देखो ऐसे कोई रॉड है तो अभी उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो अभी हम छोटा सा डीएक्स ले लेंगे लेंथ, तो 1 मीटर का लैम्डा तो डीएक्स मीटर का ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ तुम लोगों को, ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, यहाँ तक ठीक है, इसके एप्लीकेशन में नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, एक मिनट ये लीनियर मास एक क्वेश्चन और समझा के वाइंड अप कर दूं, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम भी है ना, सम ऑफ द स्टूडेंट
जैसे कि एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया है देखो। ओके चलो ठीक है, इसको भी अभी अभी नहीं डिस्कस करें, नेक्स्ट क्लास में। कब से एग्जाम है तुम लोग के? नेक्स्ट वीक में है ना? नहीं, इसी वीक में है, नहीं नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक है ना? तो ठीक है, फिर मैं अभी इसको इतना कर लो आज, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये थोड़ा इसको इजी करके बता दूंगा कि कट पार्ट वाला ये कराया हो, ये आ सकता है ये क्वेश्चन, या एक मेथड बता दो, दूसरे मेथड नेक्स्ट क्लास में बता सकता हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए। देखो एक मेथड तो इसका ये होता है, जैसे ये क्वेश्चन चलो समझ लो कि फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस आर ये डिस्क है, इसमें से आर बाय टू कट कर दिया, कट आउट, द सेंटर ऑफ द होल इज एट आर बाय टू, मतलब या ये इसका सेंटर आर बाय टू पर है, इसका मतलब ऐसे ही कट करना पड़ेगा। ओनली थिंग इट कैन बी हियर आल्सो, सर्कमफ्रेंस को टच करते हो, इधर से भी कट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, डायग्राम तो है नहीं, बट वी हैव टू टेक वन ऑफ द सिचुएशंस, द सेंटर ऑफ द होल इज आर एट आर बाय टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, लोकेट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड यूज किया है बट सेंटर ऑफ मास के लिए भी वही रहेगा, ऑफ द रिजल्टिंग बॉडी, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी हम पहुंचे नहीं है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ कोइंसाइड फॉर इफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट चेंजिंग एट दैट प्लेस, तब कोइंसाइड करते हैं। ये ओरिजिनल डिस्क का सेंटर है सी, और होल का जो है सी वन ले लो, इसका सेंटर सी वन ले लो, ठीक है, तब इसमें से कट कर दिया है ना, ये अभी बॉडी कितनी बच गई, ये बच गई, ये इतनी बच गई है ना, तब इधर से कट कर दिया, तो इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हल इधर का मास कम हो गया, इधर ज्यादा मास है, तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, कितनी डिस्टेंस पर आएगा वो निकालना है। तो इसके लिए कुछ फार्मूला आता है, इसके लिए ऐसा फार्मूला होता है एम वन ए, फ्लैट बॉडी है ना, एरिया के टर्म में लिख देते उसको, नहीं एम वन की जगह एरिया लिख देते, ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू अपॉन ए वन माइनस ए टू, ऐसे फार्मूला बन जाता है इसका। ए वन फुल बॉडी का एरिया होता है और एक्स वन जो है ओरिजिनल सेंटर से डिस्टेंस होती, ए टू जो है होल का सेंटर, होल का एरिया और उसकी ओरिजिनल सेंटर से डिस्टेंस। ये बनता कैसे, ये थोड़ा बता दो फार्मूला पहले। सपोज देखो ये होल बॉडी है, उसका सेंटर मास यहाँ कहीं पे है सी वन, तो एम वन इज द मास ऑफ द होल बॉडी, पहले फुल बॉडी ले लो, उसका मास है आर वन, उसका पोजिशन वेक्टर है ये वाला, फुल बॉडी का आर वन हो गया ये वाला उसका सेंटर, और एम टू जो है कट पार्ट है ये वाला, होल कट कर दिया, उसका पोजिशन वेक्टर आर टू है, ठीक है, और आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ रेजिडुअल बॉडी जो बची है इतनी, ये वाली बॉडी बची है इतनी, उसका आर थोड़ा इधर पीछे चला जाएगा, इधर इधर लाइट हो गया हल्का हो गया तो इधर शिफ्ट हो जाएगा सी पर, उसका पोजिशन वेक्टर आर है, एरो नहीं लगा रहे हम, तो क्या होगा फिर एम वन आर वन, अब ये बॉडी कट कर ली, जब यहाँ पे बॉडी कट में रख दी होती तो प्लस एम टू आर टू होता है, यहाँ पे समझ हमने एक दूसरी प्लेट रख दी इसके ऊपर, तब तो वो प्लस होता, अभी कट कर दिया तो माइनस हो गया, नीचे भी एम वन माइनस एम टू, कट करने से माइनस आ गया, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यूनिफॉर्म बॉडी एक ही बॉडी एक में से ही कट किया, उनकी डेंसिटी भी सेम रहेगी, थिकनेस भी सेम रहेगी, तो मास में मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वगैरह आता है, वॉल्यूम में थिकनेस भी आता है, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ए वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन, तो एम वन की जगह ए वन आ गया और एम टू की जगह ए टू आ गया और नीचे ए वन, ए वन माइनस ए टू, तो आर वन जो है आर वन को ही हमने इसी को ओरिजिन ले लिया, अभी हम क्या कर रहे हैं सी को ही ओरिजिन ले रहे, ऐसे देखो
लेट सी इज द ओरिजिन, ठीक है, तो आर वन को हम ले लेंगे एक्स वन, अभी अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट से ही डील कर रहे हैं, तो आर को हम एक्स ले लेंगे, आर वन विल बी एक्स वन विच विल बी जीरो, आर टू विल बी एक्स टू, तो ये जो है कितनी दूरी पर है, आर बाय टू पर है, ठीक है। ए वन फुल बॉडी का एरिया है, पाई आर स्क्वायर हो गया, ए टू होल का एरिया है, पाई आर बाय टू स्क्वायर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर बाय फोर हो गया, तो एक्स सेंटर मास विल बी ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू अपॉन ए वन माइनस ए टू, ये तो जीरो हो गया, ओरिजिनल बॉडी के सेंटर में ही हमने ओरिजिन ले लिया, माइनस ए टू कितना है, ये पाई आर स्क्वायर बाई फोर, कितनी दूरी पर है वो, आर बाई टू पर, पॉजिटिव वैल्यू है वो, राइट साइड में है, डिवाइड बाई आर बाई टू, डिवाइड बाई एरिया, पाई आर स्क्वायर पहली होल बॉडी का, कट पार्ट का पाई आर स्क्वायर बाई फोर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस है ऊपर, ऊपर कितने आ रहा है, पाई आर क्यूब बाई एट आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, थ्री पाई आर स्क्वायर बाई फोर आ रहा है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, पहले से एक आर स्क्वायर भी चला जाएगा, ऊपर आर बचेगा और नीचे जो है ये फोर ऊपर जाके इसको तो सिक्स आ जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस, अभी माइनस क्यों आया, हमने इधर होल कट किया, इधर शिफ्ट हो गया कहीं, यहाँ पे आ गया, सी ओ एम लेफ्ट साइड में आ गया, अगर हमने इधर होल कट किया होता तो फिर वो प्लस आता, इसलिए डिस्टेंस लिखनी पड़ती है, तो इट विल बी डिस्टेंस एट डिस्टेंस एट डिस्टेंस आर बाई सिक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है, ये आंसर हो गया, तो कट पार्ट का एक तो मेथड ये है, और कोई मेथड, वो दूसरे मेथड भी रहते हैं, बट दिस इज द ओके मेथड, इससे कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर, तो ये फॉर्मूला याद कर लो कट पार्ट के लिए, बस यहाँ पे ये रखो कि ये पूरी होल बॉडी का था, कुछ बुक्स में वो कट पार्ट से दूसरा मेथड भी सिखाया जाएगा, बट यू मेक इट वन मेथड, इसी को रखो, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन अभी ये समझ में आ गया कि नहीं, देखो ये फार्मूला लर्न कर लो, आर वन को क्या कर लो, एक्स वन कर लो, फार्मूला याद रखना आसान है ना, एम वन आर वन था, एम वन एक्स वन था, तो ये अपना एम की जगह ए आ गया, एक्स की जगह आर आ गया, और कट है तो माइनस आ गया, तो देखो थोड़ा सा इसमें एक, और ये फुल बॉडी के लिए था, तो ये उसके फुल बॉडी के सेंटर में ले लेते तो वो जीरो ही हो जाता पूरा टर्म, बाकी ये होल का है तो उसका रेडियस आर बाय टू है, तो पाई आर स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा एरिया, डिस्टेंस ये आर बाय टू, ये इसका कोऑर्डिनेट्स आर बाय टू पर है नीचे वो, तो अगर मैं इसी में एक पॉइंट और ऐड कर दो, इसका जो तुमने कट किया था इसको, वो कट पार्ट इधर रख दो, तब सेंटर मास और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तब कैसे करेंगे, तीन बॉडी हो जाएंगी, अभी जो हमने रख दिया वो प्लस हो जाएगा, इसको ए थ्री मान लो थोड़ी देर के लिए, जिसका एरिया ए टू के बराबर ही होगा, ए थ्री एक्स थ्री, और नीचे प्लस ए थ्री, ये तो कट जाएगा, ए टू ए थ्री इक्वल है तो कट जाएगा, नीचे तो ए वन ही बचेगा, और ये एक्स थ्री कितना है, इधर रखा, इसका सेंटर मास इधर आ गया, तो एक्स थ्री विल बी माइनस आर बाई थ्री, आर बाई टू, सॉरी मास तो वही रहेगा, ये वाला ही रहेगा क्योंकि उसी को रखा, तो कुछ ऐसे आर बाई फोर आ जाता है, आर बाई फोर मतलब और इधर शिफ्ट चला, और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये होल जो तुमने कट किया था वो प्लेट को इधर रख दो, तब तुम्हारा आर बाई फोर कुछ आंसर आ जाता है, माइनस आर बाई फोर, तो वो नहीं है क्वेश्चन, जस्ट मेरी तरफ से वो मैंने पार्ट ऐड किया था, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसको सेंटर ऑफ मास के टर्म में भी पूछ सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी पूछ सकते हैं, इसको दोनों सेम रहते हैं, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा उस प्लेस पर, क्लियर, आर यू देयर तुम लोग हो लाइन पर, यस सर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया,
ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये जेई में भी आया था, नीट में भी आ चुका है, बस वैल्यू थोड़ी चेंज कर देते, आर की जगह रेडियस 2R दे देंगे उसको, ऐसा दे देंगे कुछ समथिंग। रेडियस अगर 2R दे दी तो क्या होगा, यार 2R पुट कर दो, 2R/6, तो R/3 आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, मैं तो जैसे शॉर्टकट तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं सेम क्वेश्चन में, मेथड वही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर ये देख लेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे सिंगल पार्टिकल मूव करता है वैसे सेंटर ऑफ मास भी मूव कर सकते हैं, या फिर इसको दूसरे मेथड से भी करा दूंगा मैं, अगर वो मेथड है। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन वाला बाद में करा दूंगा, इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना, तो ये एक क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ऑल राइट, शैल आई एंड इट नाउ? ओके देन, थैंक यू, चलो बाय, ओके।